हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स के बारे में जाना था। एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, इस पांचों गेट्स के बारे में हमने जाना था। और हमने कहा था कि इस पे डिपेंडेंट हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आज हम वही सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कुछ नहीं, हम उसी जो हमारा लॉजिक गेट्स है उसी पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ फॉर्मूले याद करेंगे। और एक एक्स्ट्रा चीज करेंगे क्या, कि अपन लॉजिक डायोड्स के हेल्प से अपन लॉजिक गेट बनाने का कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ गेट्स विद द हेल्प ऑफ डायोड्स, ये काम अपने को आज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। मेरा नाम है संजीव कुमार झा और टॉपिक हमारा वही चल रहा है, लॉजिक गेट प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे आज हम लोग, है ना। लॉजिक गेट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि आपका क्या है कि ये नीट एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर साल ही यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मेन मेंटलिस्ट के साथ, मेरा नाम संजीव कुमार झा, काम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारा है, लॉग गेट्स का कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए, हमने एक ये गेट बना दिया और यहाँ पे हमने ये लगा दिया है, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से हमने एक और आउटपुट लगा, इनपुट लगा दिया, और ये मैंने एक और गेट लगा दिया, और ये रहा हमारा यहाँ से ये वाई। और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जरा सा बताइए, यहां से इनपुट हमने ए दिया और ये बी दिया, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस गेट का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको गेट के सॉल्यूशन में। स्टार्टिंग में क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए सारे गेट्स को अलग अलग तरीके से लिखिए, सारे गेट्स को डिफरेंशिएट करके लिख लीजिए, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या है, एंड है, नॉट है, एंड है, नॉट है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद आप एक साथ ही उसका आउटपुट लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको अलग अलग करके काम करना होगा। तो यहां से काम अगर मैं शुरू करूं, तो सबसे पहले एंड गेट है, तो ए और बी का ए एंड बी, और ए एंड बी याद है, ए एंड बी कैसे लिखते, ए एंड बी कैसे लिखते थे, ए एंड बी को क्या ए डॉट बी लिखा जाता है, इक्वल टू वाई ए एंड बी के केस में यही होता है हमारा। तो ठीक है, यहां से एंड में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। और हमने कहा था कि जहां भी ये लगा देगा तो इसको अपन नॉट गेट मानते हैं, तो ये क्या हो गया, ए एंड बी का नॉट, तो ए एंड बी का क्या हो गया मेरा, ये नॉट गेट हो गया। तो ये कहां मिलेगा, ये अपने को इस पॉइंट पे मिलेगा, अभी यहां नहीं पहुंचे हैं, अभी यहीं पे हैं, है कि नहीं है, कहीं इंटरमीडिएट है, चलिए एक्स मान लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू ए डॉट बी मिला है। अब ये वापिस से इस गेट से पास आउट होगा, राइट, अब ये वापिस से इस गेट से पास आउट होगा और अपने को रिजल्ट बताना है। तो यहां पे क्या है, एंड गेट फिर से आ गया। अब एंड गेट फिर से आ गया तो एंड गेट में मेरे पास दो आउटपुट इनपुट चाहिए था, एक ही इनपुट है, तो ये कैसा जाएगा, एंड गेट से निकल के यहां से बाहर निकल के वापस ये सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके पास दूसरा कोई है ही नहीं, तो ऐसा ही रहेगा, है ना। और इसके बाद वापस ये कहां पहुंचा, नॉट गेट पे। देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड सर्किट बनाऊं तो सिंप्लीफाइड सर्किट ऐसा बनेगा, एंड गेट, नॉट गेट, इसके बाद फिर से एंड गेट और फिर से एक नॉट गेट, है ना। अभी ये मेरा रिजल्ट वाई होगा। तो देखिए, तो यहां से ए और बी गया, तो यहां पे यहां क्या मिलेगा अपने को, ए प्लस बी, सॉरी ए डॉट बी मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी, और यहां से पास करके यहां क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, है कि नहीं है, नॉट गेट लग गया, यहां से फिर पास होगा तो चूंकि एक ही इनपुट है तो एज इट इज ही रह जाएगा ए डॉट बी, है कि नहीं है। और फिर नॉट से पास होगा तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का नॉट पास होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा, फिर से ये ए डॉट बी ही बन जाएगा, है कि नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, यहां से ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिला, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b, ये आगे यहां जाके फिर से क्या बन गया था, a डॉट b बन गया ना। देखिए, तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि स्टार्टिंग में आप सर्किट को ऐसा सिंप्लीफाई, हर सर्किट को अलग अलग लिख लीजिए, हर एक गेट्स को डिफरेंट सिंपल करके अलग अलग लिख लीजिए, ताकि कंसेप्ट आपसे क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये क्वेश्चन एआईपीएमटी में पूछा गया था, एआईपीएमटी 2016 या 17 था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, अपने को क्या करना है, हर गेट्स को डिफरेंशिएट कर देना है, अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। चलिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए और हम अगले गेट क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है ना, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्या है हमारे पास, देखिए ये सर्किट गिवन है हमारे पास, और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अबव सर्किट है वो किस गेट के इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट कौन सा गेट है, एंड गेट हमारे पास कौन सा पास था भाई, एंड गेट है हमारे पास, एंड है, आई मीन और है,
फिर नॉट है, नैंड है, याद है ना ये चीज, और नॉर है। इन पांचों में से ये किस गेट के इक्विवेलेंट है ये सर्किट, इसका रिजल्टेंट ये अपने को बताना है। ठीक है, मैं भी स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहा हूं। नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। इसके बाद फाइनली आप रिजल्ट देखेंगे। प्रैक्टिस के साथ आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को, इक्विवेलेंट गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसा काम करेंगे, किस क्या अप्रोच लेना चाहिए वो आप देखिए। तो सबसे पहले तो हम ए और बी का इनपुट ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए और बी का हम लोग इनपुट ले लेते हैं। इनपुट हमारा क्या क्या हो सकता था, देखिए क्या हमारा यहां पे ये जीरो हो सकता था, ये वन हो सकता था, क्या ये वन और ये जीरो, क्या ये जीरो और ये भी जीरो, क्या ये वन और ये भी वन, क्या ये हमारा आउटपुट हो सकता है, इनपुट हो सकता है, याद है ये चीज सबको, है ना। चलिए अब यहां से हम काम करेंगे। ये देखिए, इसी को याद है ना, ट्रुथ टेबल बनाना हमने कहा था। इस गेट का मैं एक ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। देखिए मैं करूंगा क्या, अप्रोच क्या लूंगा मैं, कि मैं इसका फाइनल निकालूंगा वाई कितना रिजल्ट आता है। इनपुट ये है और वाई मेरा क्या आता है ये मैं देखूंगा। और ऐसे इनपुट पे रिजल्ट किन कौन से गेट में हमारे पास आता है, इन पांचों का ट्रुथ टेबल आपको याद होगा, वहां से मैं कंपेयर कर लूंगा कि कौन से गेट का रिजल्ट है ये हमारा। ठीक है, यही काम हम करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करें, यहां से और गेट है और के साथ क्या है हमारा नॉट गेट है ए बी। सबसे पहले क्या है ये और गेट, ये क्या है और गेट, और ये क्या है नॉट गेट, तो मतलब फाइनली ये नॉर गेट हुआ। तो मैं यहां पे नॉर गेट का रिजल्ट लिखूंगा। चलिए इसको मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। चलिए इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको मैं जेड मान लूंगा, और फाइनल हमारा वाई माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए और गेट है तो और में क्या होता था ए प्लस बी, और साथ में नॉट भी है तो ए प्लस बी का बार, ये तो हमारा और गेट नॉर गेट का होता था यहां से। ये क्या है टोटल, ये नॉर गेट है कि नहीं है, आप ध्यान से देखिए ये क्या है हमारा, ये नॉर गेट है कि नहीं है, फिर ये भी हमारा नॉर गेट, और ये हमारा क्या है नॉट गेट, है ना। तो हम पहले नॉर से आउटपुट लेंगे, फिर नॉर से लेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे किस पे नॉट पे, हमको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये है यहां मुझे क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू, तो देखिए जीरो और वन, ए प्लस बी, ए प्लस बी जीरो और वन, जीरो प्लस वन वन होता था और उसका बार मतलब उल्टा हो जाता था, याद है ना, ए प्लस बी का उल्टा, नॉट गेट लगने पे क्या होता था वन का जीरो, जीरो का वन, तो ए प्लस बी कितना होगा, जीरो प्लस वन कितना होगा वन, और वन का उल्टा तो जीरो। ठीक है, फिर वन प्लस जीरो का वन और वन का उल्टा जीरो, फिर जीरो प्लस जीरो का जीरो और जीरो का उल्टा वन, फिर वन प्लस वन का क्या होता था वन और इसका उल्टा क्या हो जाता था फिर से मेरा रिवर्स क्या होता था जीरो। तो ये जो मेरे को मिला ये कहां पे है, ये अभी यहीं पे पहुंचे हैं हम लोग, अभी इसमें एंटर होना बाकी है, अभी इस गेट से बाहर निकल के यहां पहुंचे, ये इनपुट था, ये आउटपुट मिल गया, है कि नहीं है। अब ये किसमें एंटर करेगा, इसमें एंटर करेगा, है कि नहीं है। तो इसमें एंटर करने के लिए ये चीज जो गिवन है, इसका क्या मतलब होता है वो समझिए। इसका मतलब हुआ कि यही इनपुट, ये एक इनपुट, ये एक इनपुट, ये और ये इसी से जुड़ा हुआ है सर्किट। देखिए ये सर्किट आया यहां से, इसी के ये भी गया और ये भी गया, तो मतलब जो यहां पे है वही यहां होगा, वही यहां भी होगा, होगा कि नहीं होगा, जो यहां पे है वही यहां होगा, दोनों होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही इनपुट होगा तो अपने को यहां से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फिर से देखिए सेम इनपुट, यही इनपुट है क्या, सेम चीज, यही इनपुट इसके साथ है, दोनों ही इसमें इनपुट कर रहा है, ये दोनों ही इसमें सेम चीज, मतलब क्या होगा कि ये जो है ना, ये जो सर्किट टेबल आप देख रहे हैं वो यहां पे है और यही टेबल यहां भी है कि नहीं है। तो क्या होगा यहां से, अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो अगर मैं जेड के लिए बात करूं तो जेड इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी तो है मेरे पास, ये ए प्लस बी, फिर से प्लस ए प्लस बी, यही तो इनपुट है यहां से, नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन होने का। फिर से देखिए, मान लीजिए यहां से मेरे पास वन आया तो ये वन यहां भी जाएगा, ये वन यहां भी जाएगा, है कि नहीं है, तो दोनों यहां से जाएगा। तो पहली बार हमको क्या आया, जीरो आया, तो जीरो यहां भी गया, स्टेप बाय स्टेप में देखें तो जीरो यहां भी गया और जीरो यहां भी गया, तो जीरो और जीरो निकल के क्या हो जाएगा मेरा जीरो, और फिर से नॉट गेट तो क्या बना देगा इसको वन बना देगा, क्या बनाएगा इसका हमारा ये वन बना देगा, होगा कि नहीं होगा। फिर से जो यहां से इनपुट आया, जो यहां से आउटपुट इससे जो बाहर आया, देखिए क्या है कि मैं यहां से निकला, अब दो गेट्स है, दो रास्ते जाने हैं, तो जो इधर जाएगा वही इधर भी मैं भेजूंगा, दोनों सेम भेजना है, इसी का मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब यही हुआ कि यहां से जैसे क्या हुआ कि जीरो और वन से क्या मिला, जीरो मिला पहले, तो जीरो यहां भी जाएगा, जीरो यहां भी जाएगा, दोनों जगह क्या जाएगा हमारा जीरो ही जाएगा। तो जीरो और जीरो से क्या मिलेगा अपने को आउटपुट जीरो, और जीरो का उल्टा क्या होता है वन, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है साथ में, है कि नहीं है। फिर से फिर जीरो और जीरो का क्या मिलेगा जीरो, फिर से उल्टा क्या हो जाएगा वन,
फिर वन और वन का क्या मिलेगा, वन और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो। फिर क्या है मेरा ये जीरो, फिर जीरो और जीरो का क्या मिलेगा, जीरो और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वन। तो ये क्या मिल गया अपने से, जेड। यहां पे ये जेड मिल गया अपने को, क्या मिल गया ये हमको, ये जेड मिल गया। समझ में आया ये तक? लेकिन अभी भी हम फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, क्योंकि जेड से निकलने के बाद हम वाई पे जाएंगे। जेड से अब फिर से इस गेट में एंटर करेगा, फिर से इस गेट में एंटर करेगा। तो यहां से एंटर किया, अब तो एक ही इनपुट चाहिए नॉट गेट को, तो यहां से जो एक इनपुट है मेरे पास, तो इससे ये नॉट गेट में एंटर करेगा, तो वन का रिवर्स क्या हो जाएगा, जीरो। फिर इस वन का रिवर्स जीरो, फिर इस जीरो का रिवर्स वन, और इस वन का रिवर्स जीरो। तो ये हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगा, फाइनल आउटपुट। ठीक है, अब लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई किस गेट के इक्विवेलेंट है, यह बताना है अपने को, कौन से गेट के इक्विवेलेंट है। तो इनपुट क्या था मेरा, क्या ये इनपुट था, देखिए तो अगर मैं बात करूं तो क्या इनपुट ये था, ओरिजिनल इनपुट तो यही था, और फाइनल आउटपुट ये मिला अपने को, ये क्या था, इनिशियल इनपुट था हमारा, ये क्या था इनपुट, और फाइनल ये मिला है अपने को क्या, आउटपुट में। तो इन दोनों के कंपैरेटिव देखते हैं, जीरो और वन का जीरो किसमें होता है, जीरो और वन, देखिए जीरो और वन से क्या होता है हमारा, जीरो। जीरो और वन से अगर मैं एंड गेट में बात करूं, देखिए अब ध्यान से देखिए, मैं अब चेक कर रहा हूं कि ये एंड है कि और है, नॉट गेट तो नहीं है, ये तो दिखने में आ रहा है आपको, नॉट गेट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नॉट गेट, क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट चाहिए, जबकि यहां क्या अपने पास है, दो इनपुट है, तो नॉट गेट तो नहीं हुआ, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, बचा क्या एंड और नॉर एंड, यही बचा हमारा। ठीक है, तो देखिए जीरो और वन, अगर मैं एंड गेट की बात करूं, अब मैं एक बार तीनों का ट्रुथ टेबल आपको यहां बना देता हूं ताकि आप समझ पाए, है ना। तो देखिए अगर एंड का ट्रुथ टेबल क्या होता था, जीरो वन से क्या बनता था मेरा, एंड है ए एंड बी, तो ये जीरो बनता था, वन और जीरो से जीरो, जीरो और जीरो से जीरो, वन और वन से वन बनता था, ये एंड गेट के लिए था। और गेट के लिए क्या था हमारे पास, देखिए अगर मैं इसी में और को जोड़ दूं आगे, तो क्या था हमारे पास, जीरो और वन से क्या बनता था यहां पे, और गेट में अगर मैं यहां पे और ले लूं, तो और में जीरो और वन से क्या बनता था, वन, वन और जीरो से वन, जीरो और जीरो से जीरो, वन और वन से वन, ये और गेट का था कि नहीं था। अगर मैं नैंड का बात कर लूं, नैंड में क्या था हमारे पास, तो देखिए इसका उल्टा हो जाता था एंड का उल्टा, तो जीरो का ये क्या था, ये एंड हो गया, ये इनपुट था, है कि नहीं है। तो जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो। और अगर मैं नॉर की बात कर लूं, तो नॉर में क्या होता था हमारा, देखिए वन का उल्टा जीरो, वन का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, यही था हमारे पास। तो कंपेयर कीजिए, जीरो वन जीरो वन ये हमारा था, तो जीरो वन जीरो वन ठीक है, वन जीरो जीरो वन, तो वन जीरो जीरो वन इनपुट सेम टू सेम है। इस आउटपुट को मिलाना है, किससे आउटपुट मिल रहा है, देखिए तो इन तीनों में से किससे मेरा आउटपुट मैच कर रहा है, देखिए तो किसमें से आउटपुट मैच कर रहा है, मेरे ख्याल से तो नॉर गेट से आउटपुट मैच कर रहा है, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, और किसी से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होल सर्किट कैसा हुआ, नॉर गेट जैसा काम कर रहा है, ये कैसा काम कर रहा है हमारा, नॉर गेट के जैसा। क्या है मेरा ये, अगर इस सबको हटा के मैं सीधा एक नॉर गेट लगा दूं तो वो भी काम चल जाएगा हमारा, नहीं आया समझ में ये चीज। क्या कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ये टेबल बना लीजिए, इस टेबल को याद कर लीजिए, इनपुट एंड गेट का आउटपुट, और का नैंड का नॉर का, सबका इनपुट आउटपुट मिल गया आपको, है कि नहीं है। अब ये नॉट गेट तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना, क्योंकि दो इनपुट है, अगर नॉट गेट में तो हमको एक ही इनपुट चाहिए, तो इसलिए क्या बनेगा ये। अब इस चारों टेबल को मैंने बना लिया, हमने इनपुट मिलाया, क्या इनपुट सेम टू सेम, हाँ ठीक है, आउटपुट मैच कर लीजिए, मेरा फाइनल आउटपुट किससे मैच कर रहा है, ये फाइनल आउटपुट मैच करना है, इसको मिलाने का है, ये नहीं, ये तो रास्ते में काम चल रहा है, फाइनली क्या मिला, ये मिला ना अपने को, है कि नहीं है। तो किसके बराबर का है, नॉर गेट के बराबर का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉर गेट का इक्विवेलेंट सर्किट है। समझ में आ गया ये चीज, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। हर बार क्या कीजिए, इस टेबल को तो परमानेंटली एग्जामिनेशन में क्या कीजिए, इस टेबल को परमानेंट पीछे बना के रख लीजिए, दो सेकंड लगेगा बनाने में, ज्यादा टाइम लगना नहीं है इसमें, परमानेंट ही पीछे कहीं रफ पेपर में बना के रख लीजिए, जैसा ही जरूरत पड़े देख लीजिए इसको, ताकि हर बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसको कभी भी एग्जामिनेशन में बैक पेज में तुरंत ही बना लीजिए, विद इन टू सेकेंड ये आपका बन जाएगा आराम से, अगर आपको ट्रुथ टेबल करना आता है विद इन टू सेकेंड बन जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से यहां से सॉल्व आउट कर सकते हैं, है ना, समझ में आ गया ये चीज। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको कॉपी कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपके सामने बोर्ड पे देख रहे हैं आप, नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये।
आपको दिख रहा है यहां से ए और बी हमने यहां से इनपुट दिया है, ये एक ए जाता गया डी में गया, लेकिन बी जो है वो पहले नॉट गेट से पास किया, फिर हमारा किससे गया एंड गेट से पास कर रहा है। अब यही ए जो है ये इसका मतलब होता है ये यहां से पास कर रहा है, यही शॉर्ट सर्किट कर रहा है यहां से, यही ए मिला नॉट गेट से पास होता हुआ दूसरे को मिला, दूसरे डी गेट को एंड गेट को मिला, और ये जो बी है वो इस एंड गेट को मिला। देखिए इस एंड गेट का इनपुट देखिए क्या क्या है, एक तो ए है दूसरा बी है, लेकिन बी पहले नॉट गेट से पास होकर फिर इसमें जा रहा है। ठीक है, तो हम एक बार मान लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए यहां पे हम मान लेते हैं क्या, यहां पे मान लीजिए क्या एक्स मान लेते हैं, यहां एक्स का आउटपुट और यहां हम जेड का आउटपुट मान लेते हैं, है ना, क्योंकि देखिए और फाइनली इन दोनों से जो मिला वो इसको और गेट को मिला, है ना। ये क्या है मेरा एंड गेट, ये क्या है आपको पता है ना, दिस इज एंड गेट, ये भी एंड गेट है हमारा और ये और गेट है। ठीक है, देखिए यहां ये गोल गोल सा नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका मतलब ये नॉट गेट नहीं लगा हुआ है। अगर ये मैं यहां गोल सा लगा देता तो ये क्या हो जाता, नैंड हो जाता है ना, ये नैंड गेट नहीं है, सिर्फ एंड गेट है। तो क्या हुआ, एंड गेट से निकला प्रोसेस होके, यहां भी एंड गेट से निकला प्रोसेस होके, और इन दोनों से जो बाहर निकला वो और गेट को मिल रहा है। ठीक है, मैंने कोई काम किया, आपने भी कोई काम किया, और उन दोनों से मिला के जो काम हो रहा है वो दोनों किसको जा रहा है, तीसरे आदमी को जा रहा है, और वो फाइनली प्रोसेस करके देगा। ठीक है, इस मशीन से काम होके निकला, इस मशीन से काम होके निकला, और ये दोनों चीज इस मशीन में गया और ये फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिला। ठीक है, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, क्या कहा था मैंने स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तो स्टार्ट कीजिए। ए मिला, इसको क्या क्या मिला है, एक तो ए मिला तो इसको इनपुट क्या मिल रहा है ए, यहां से बी गया, बी लेकिन क्या हो चुका है नॉट गेट से पास हुआ, तो यहां क्या बनेगा बी डैश बी बार बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ए, और देखिए दूसरी बात क्या होती है बच्चे, इसमें क्या होते हैं कि एक साथ सारे गेट्स को सॉल्व करने लग जाते हैं, मत कीजिए स्टेप बाय स्टेप, एक एक गेट्स को सॉल्व कीजिए, काम आसान रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। अभी आप देखिए और भी गेट्स में इसमें जोड़ दूं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, बहुत सारे गेट्स में जोड़ सकता हूं, कितना भी कॉम्प्लिकेट कर दे इसको भाई गेट से तो जोड़ेगा, है कि नहीं है। तो आपको हर बार एक बार में एक ही गेट को प्रोसेस करना है ताकि आपका काम बिल्कुल कंफर्म रहे, गलती ना हो। ठीक है, तो मैं अब यहां से ए और बी पे पहुंच गए, यहां पर पहुंचते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ ए एंड बी, तो ए एंड बी क्या होता था, देखिए ए एंड बी डॉट में ए एंड बी, बी क्या है मेरा यहां पर बी बार, बी क्या है मेरा यहां पर बी बार, तो ये कहां से मिला, यहां से मिल चुका, ये यहां पे मिल गया अपने को, मिला कि नहीं मिला। चलिए अब यहां पे आते हैं, अब यहां से ये क्या जा रहा है बी, तो यहां पे कौन है बी, और ये क्या आ रहा है ए, और ए यहां से देखिए नॉट गेट से पास किया तो क्या हो जाएगा ए नॉट, है कि नहीं है ए बार, और यहां से जेड क्या हो जाएगा फिर से ए बार प्लस बी, क्योंकि एंड गेट से पास कर रहा है, ये हो गया। अब ये दोनों किससे जा रहा है, और गेट से जा रहा है, ये दोनों किसमें एंटर करेगा और गेट में, तो ये पहला और ये दूसरा, तो यहां से अपने को y इज इक्वल टू क्या मिलेगा और गेट में, और में क्या था ए भाई ए और b को कैसे लिखते हैं, a और b को कैसे लिखते हैं a प्लस b, यही तो और का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो चलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा यहां पे a डॉट b का बार प्लस, क्या है हमारे पास a बार प्लस b, क्या है a बार प्लस b, आई मीन नॉट बार b, क्या ये मेरा आउटपुट मिल रहा है, देखिए तो कहीं से मिल रहा है कैसा ऑप्शन अपना a डॉट b का बार प्लस a बार डॉट b, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया, है ना। 2018 में पूछा गया था नीट में एक क्वेश्चन, एक बार में एक ही गेट को प्रोसेस कीजिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि गेट में जहां से एंटर कर रहे हैं ना वहां पे एक्चुअली क्या एंटर कर रहे हैं वहां लिख लीजिए, काम आसान हो जाता है, कंफ्यूजन होने का चांस कम, गलती होने का चांस मिनिमाइज हो जाता है। यहां से मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट ही कर से देख के ही बोल सकते हैं, देख के कर लेंगे, अच्छा यहां से ए गया यहां से बी बार गया, डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको ऑरली, लेकिन पहले प्रैक्टिस कीजिए और एग्जामिनेशन में गलती के चांसेस को मिनिमाइज कीजिए, है ना। बिल्कुल यहां पे लिख दीजिए जो हमारे पास इनपुट जा रहा है और उस इनपुट को हमने रिजल्ट में ले लिया, यहां से इनपुट ये क्या जा रहा था, ये यहां इनपुट है और ये वाला यहां इनपुट है, डायरेक्ट ही शो कर रहा है, समझ गए इस बात को, है ना। इसको कॉपी कर लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिएगा यहां ये गलती से मैंने लिख दिया है लेकिन ऑप्शंस बता दिया ना, ये ए डॉट बी होगा, ऑप्शन यहां पे एंड गेट से निकल रहा है ना, तो एंड गेट में डॉट होता है, ये प्लस नहीं है डॉट होगा, है ना, ये एंड गेट का है ना ये हमारा, तो डॉट होगा, वो बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ पेन था, ऑप्शन हमारा टू आपको दिख रहा है, ये स्लिप ऑफ पेन है हमारा, नथिंग एल्स, ओके ना। तो देख लीजिएगा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्योंकि एंड से निकला है ना ए डॉट बी से। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या देखिए, ये आपको सर्किट डायग्राम गिवन है, क्या है सर्किट डायग्राम में, ए गया यहां से इनपुट में, ये क्या है हमारा नैंड गेट या एंड गेट, ये नैंड गेट है, देखिए नॉट लगा हुआ है,
ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, और फाइनली ये भी नैंड गेट। तो ए गया एक नैंड गेट में गया, और यहां से यही ए इस नैंड गेट को, अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो नंबरिंग पे मैं इसको वन देता हूं, इसको टू देता हूं, यहां से थ्री और यहां से फोर देता हूं, ठीक है, ताकि मैं नंबरिंग से काम कर लूंगा, समझने में आसान हो जाएगा। तो देखिए वन को इनपुट क्या क्या मिल रहा है, एक तो ए मिल रहा है और दूसरा क्या मिला, बी मिला, ठीक है, और यहां से आउटपुट आया हमारा। अब ये जो आउटपुट आया वो यहां जा रहा है और दूसरा इसको क्या मिल रहा है, ये तो ए और ये दूसरा इसका आउटपुट है कि नहीं है, मतलब वन का आउटपुट, ये वन जा रहा है यहां पे, है कि नहीं है, वन लिखने का मतलब आउटपुट ऑफ वन, ठीक है, वन का आउटपुट मतलब आउटपुट ऑफ वन, ठीक है। चलिए अब यहां से फिर इसको क्या क्या जा रहा है, इसको फिर से आउटपुट ऑफ वन तो एक ये जा रहा है और दूसरा बी इनपुट गया कि नहीं गया। फिर यहां से चला, इसको क्या क्या मिला, एक तो आउटपुट ऑफ टू और ये आउटपुट ऑफ थ्री मिल गया, और ये आपको फाइनली वाई मिल गया हमारा। क्या ये केस समझ में आया किसको क्या मिल रहा है, फिर से एक बार कि देखिए पहले वाले को क्या मिला, ए मिला और बी मिला, तो आउटपुट क्या मिल गया यहां से अपने को, आउटपुट मिल गया अपने को वन, ठीक है। ये वन क्या गया, इसको भी गया और वन इसको भी मिला, और एक बी यहां से आ रहा था, इसको यहां से इसको एक ए आ रहा था, तो ये इनपुट सबका दिख गया, यहां से आउटपुट आया, तो यहां से क्या आउटपुट आया, टू, और यहां से आउटपुट मान लेते हैं थ्री, तो ये टू थ्री इसको इनपुट मिला और ये वाई हमको रिजल्ट मिल गया। तो अपने को वाई बताना है कि इस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल क्या होगा, इस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल क्या होगा, यही अपने को बताना है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे, हमने आपसे कहा था स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तो सबसे पहले तो इसका इनपुट अपने को मालूम है, तो पहले तो अपन बना लेते हैं ट्रुथ टेबल कैसा, पहले तो इनपुट ले लेते हैं सबका। तो हमको ये ऑप्शंस गिवन है 0 0 1 1, तो हम ये इसमें से इनपुट, तो ये देखिए इनपुट तो सबका सेम ही रहेगा, तो हम इनपुट ले लेते हैं पहला। तो चलिए ए, और हमने ले लिया इनपुट बी, कैसा इनपुट सेंस में 0 0 1 1, भाई बिल्कुल सही है 0 1 0 1 0 1 0 1। अब ये इनपुट हमने लिया है अभी सिर्फ, देखिए भाई ये ऑन हो, ये ऑफ दोनों ऑफ हो सकता है, ये ऑफ ये ऑन हो सकता है, ये ऑन ये ऑफ हो सकता है, या फिर दोनों ऑन हो सकता है, वही है हमारा ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसको ये जो ए और बी किसको मिला, पहले वाले को मिल रहा है यहां से, तो फर्स्ट का ये जो, अगर मैं फर्स्ट आउटपुट ये वन की बात करूं तो वन मुझे क्या मिलेगा, देखिए या चलिए हाँ ए बी है ही, तो वन की बात कर लेते हैं यहां से, है ना, तो वन का आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, देखिए तो कौन सा है, नैंड गेट है, और नैंड गेट में क्या होता है, एंड प्लस नॉट, तो एंड में जीरो और जीरो का एंड क्या होगा, जीरो, जीरो और जीरो का एंड गेट से रिजल्ट क्या होता है, जीरो, और वहां से कन्वर्ट होके, याद है ना, चलिए फिर से मैं, अगर आपके हेल्प के लिए फिर से मैं आपको याद कीजिए, वो ट्रुथ टेबल बताया था ना बनाने के लिए, कैसे ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, याद रखिए कि ट्रुथ टेबल बना के टेबल में रख लीजिए, आपको याद हो जाएगा आसानी से, है ना, मैं नहीं बना रहा हूं, मैं तो सीधा सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, आपको याद है कैसे बनाते हैं, बना लीजिए। तो जीरो और जीरो का एंड क्या होता है, एंड गेट से निकल के जीरो, एंड जीरो होता है हमारा क्या, जीरो, और उसका नॉट क्या हो जाएगा, वन, तो ये क्या मिलेगा, वन। फिर जीरो एंड वन का क्या होता है, एंड गेट, जीरो एंड वन का होता है जीरो, और फिर जीरो का रिवर्स क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि देखिए नॉट यहां पे नॉट भी लगा हुआ है ना, एंड प्लस नॉट करना है, है ना। फिर वन और जीरो का वन एंड जीरो क्या होता है हमारा, जीरो, वन एंड जीरो जीरो, और फिर उसका नॉट वन हो जाएगा। फिर वन एंड वन क्या होता है, वन, एंड वन नॉट क्या होता है, जीरो। तो ये यहां से मिला अपने को, है ना, वन से मिला। अब आते हैं टू पे, ध्यान से देखते रहिए मैं टेबल कैसे बना रहा हूं, बहुत आसान है टेबल बनाना ये, अगर आपने एक बार सिक्वेंस पकड़ लिया ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब टू पे इनपुट कौन कौन है, देखिए टू के लिए इनपुट कौन है, एक तो ए है और दूसरा ये वन है, मतलब ए और वन, ये और ये इनपुट है टू के लिए, बोलिए है कि नहीं है, है ना। टू के लिए इनपुट कौन कौन है, ए और ये, ए एंड वन, ये है ना हमारा टू के लिए इनपुट, है ना। तो चलिए अब इन दोनों को मिला के ट्रुथ टेबल बनाएंगे, अब इसको भूल जाइए, इसको क्या करना है अपने को, भूल जाना है, ठीक है। चलिए मैं आपकी क्लियरिटी के लिए भी इसको रब कर देता हूं, क्योंकि इससे काम है नहीं इसको सेकेंड वाले को, तो हमने क्या कर दिया, ये और ये चाहिए हमको, तो इसको भूल गए। तो जीरो और वन का, जीरो एंड वन कितना होता है, जीरो, और फिर नॉट भी है, तो फिर जीरो का क्या हो जाएगा, वन, ठीक है ये चीज। फिर जीरो एंड वन कितना होता है, जीरो, अगेन नॉट क्या हो जाएगा, वन। फिर वन एंड वन कितना होता है, वन, एंड वन का नॉट कितना हो जाएगा, जीरो। फिर वन एंड जीरो कितना होता है, जीरो, एंड जीरो का नॉट, वन। तो ये टू का आउटपुट मिल गया यहां से, मिला कि नहीं मिला। अब थ्री का निकालते हैं आउटपुट, चलिए थ्री का आउटपुट निकालते हैं। तो थ्री के आउटपुट में देखिए क्या है, थ्री को क्या क्या मिल रहा है, एक तो बी मिल रहा है,
और दूसरा क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, मतलब ये और ये मिल रहा है, इन दोनों से लेना देना नहीं है अपने को, इन दोनों को ढक लेते हैं, क्या इसी दोनों से काम है? तो चलिए बी क्या था हमारा, 0101, तो 0101। चलिए अब इस दोनों को ढक लेते हैं, तो देखिए दिख रहा है आपको, जीरो और वन, जीरो एंड वन का रिजल्ट कितना होता है हमारा, जीरो एंड वन का वन, आई मीन सॉरी जीरो और जीरो का नॉट कितना होता है वन, तो ये हो गया वन, ये ढका रहना है अपने को, वन एंड वन का, वन एंड वन का वन, एंड इसका रिवर्स कितना जीरो, अगेन जीरो एंड जीरो का जीरो, और इसका रिवर्स कितना वन, अगेन वन एंड वन का रिवर्स, वन एंड वन का रिजल्ट वन, एंड उसका फिर नॉट कितना जीरो, देखिए नॉट लगा है ना दोनों में, इसलिए यहां से थ्री भी मिल गया। अब जो वाई है फाइनली हमारा, तो वाई क्या है, वाई का इनपुट कौन कौन है, देखिए टू एंड थ्री, वाई का इनपुट कौन कौन है, टू एंड थ्री, तो टू और थ्री को लेंगे, इस सबको भूल जाएंगे, तो टू और थ्री से क्या मिलेगा, वन एंड वन से क्या मिलेगा अपने को, देखिए और यहां नॉट भी लगा हुआ है, साथ में एंड भी है, देखिए यहां एंड है, कोई सा भी गेट हो क्या फर्क पड़ता है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है भाई, गेट यहां पे मैं और लगा दू, नॉट लगा दू, नैंड लगा दू, कुछ भी लगा दू, यहां इन्होंने नैंड लगाया, मैं एंड लगा दू, मैं सिर्फ नॉट लगा दू, मैं नॉर लगा दू, मैं और लगा दू, कोई सा भी गेट हो, सीक्वेंस तो यही चलेगा हमारा, है कि नहीं है, ये वैल्यूज बदलते जाएंगे, दैट्स ऑल, है कि नहीं है। तो अब यहां पे इसके y के लिए क्या है, टू और थ्री इनपुट, तो ये दोनों इनपुट बन गया, तो वन एंड वन क्या है, नॉट में है ना, वन एंड वन का क्या होता है वन, और नॉट क्या होता है इसका जीरो, वन एंड जीरो का जीरो और नॉट कितना वन, जीरो और वन का, जीरो एंड वन का जीरो और नॉट कितना इसका होगा वन, वन जीरो का जीरो और नॉट कितना वन, दिस इज द आंसर। अब चेक कीजिए कौन सा हमारा इससे मैच करता है, जीरो, एक बार देख लीजिए इस टेबल को, फिर से रिचेक कर लेते हैं, तो यहां से देखिए, यहां से क्या, इस बात को देखिए क्या बनेगा हमारा, ये क्या था थर्ड वाला, थर्ड वाला देखिए, ये वाला क्या था वन और बी का, वन और बी का था ना मेरे पास, तो वन और बी से काम करते हैं, वन जीरो का कितना होता है जीरो और जीरो का रिवर्स कितना हो जाएगा वन, ये मिस्टेक हो गया है ना, वन हो गया। अब यहां से आउटपुट इन दोनों का करेंगे, वन और वन का कितना होता है जीरो, तो जीरो, वन और वन का कितना होता है वन, तो ये आउटपुट हो गया जीरो, तो जीरो वन वन जीरो, देख लीजिए किसका है हमारा, जीरो वन वन जीरो, ये हमारा राइट ऑप्शन, ये हमारा क्या बनेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जरा टेबल पे ध्यान रखिएगा, यहां मिस्टेक्स हो सकते हैं, गलतियां हो सकती है कहीं पे, तो इसको आप ध्यान रखिए कैसे करना है, कहीं मिस्टेक नहीं करना है, एक बार रिचेक कर लीजिए, है ना, छोटा सा कहीं अगर गलती हो गया तो वो मिस्टेक हो जाएगा आपका। करना क्या है कि हर बार ये जो आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना, बाकी तो ट्रुथ टेबल आपको पता है कि नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये रिजल्ट बन गया, ठीक है, ये चीज है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको कॉपी कर लीजिए और हम फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला काम करते हैं, अगला क्या है हमारा, पहले कुछ इस पे जान लेते हैं, कुछ फॉर्मूले जानने पड़ेंगे अपने को। नाम है इसका क्या, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, सर्किट डायग्राम का भी करके देखेंगे क्या होता है हमारा, डी मॉर्गन्स थ्योरम पे हम चर्चा करके देखेंगे क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, इसलिए इसको लेना एक बार जरूरी है। तो चलिए क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास, a प्लस बी का बार, और प्लस का मतलब क्या होता है याद है ना आपको, प्लस का मतलब क्या होता है हमारा, और a और b का बार जो हमारा होता है ये होता है क्या, a डॉट b, मतलब a एंड b का बार, ध्यान से a प्लस b का जो बार होता है वो हमारा क्या होता है, a एंड b का बार, है ना, कभी भी ऐसा आ जाए तो इसके बदले हम ये लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसका a डॉट b का अगर बार कर ले तो ये क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार, इसको पहले अभी समझ लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लेना है, मैं अभी क्वेश्चन से इसको समझाऊंगा क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मान लीजिए a बार डॉट b बार का होल बार है ना, a डॉट डॉट b बार का होल बार है, तो ये क्या हो जाता है हमारा सीधा a डॉट b, क्या हो जाएगा हमारा ये a डॉट b, ठीक है, आई एम सॉरी a डॉट बी का ये ना क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा, सॉरी ये a प्लस बी हो जाएगा, और सिमिलरली क्या है हमारे पास a बार डॉट, आई मीन सॉरी प्लस b बार का होल बार, तो ये क्या हो जाएगा a डॉट b, है ना, मतलब ये और गेट हो जाएगा अगर ऐसा कहीं आउटपुट आएगा। देखिए इसका फॉर्मूले का क्या मतलब, ये चार फॉर्मूला आपको समझना है, इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, समझना क्या है कि अगर कभी ऐसा आउटपुट आ गया या कभी ऐसा ऐसा आउटपुट आ गया तो उसको हम कौन सा गेट समझेंगे, और गेट समझेंगे, सॉरी एंड गेट समझेंगे, क्योंकि ये किसका होता है एंड का होता है, कभी ऐसा आउटपुट आ गया तो उसको हम कौन सा समझेंगे, और गेट समझेंगे, और कभी ऐसा आ गया तो इस सिचुएशन में समझेंगे इस चीज को। ये फॉर्मूला चार आपको याद रखना है,
और इस पे डिपेंडेंट हमें क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं और इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। या चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे, देखिए। चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसका ऑप्शंस मान लीजिए मेरे पास ऐसा गिवन है कि नॉर गेट है या नैंड गेट है या एंड है या फिर और है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि इक्विवेलेंट सर्किट बताइए इसका क्या है, ये इक्विवेलेंट किसके है, दीज आर द ऑप्शंस। नॉट गेट तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि नॉट गेट में हमारे पास एक ही इनपुट होता है, यहाँ से दो इनपुट एंटर कर रहा है, तो ये नॉट गेट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, हो भी सकता है बाद में आप देखिएगा। चलिए अब यहां से आगे काम करते हैं। देखिए इस सर्किट को मैं जरा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। सिंप्लीफाई करने का काम बताया था पहले क्वेश्चन में, क्या बताया था, देखिए ये तो मेरे पास है ही, यहां से ये दूसरा वाला भी है, ठीक है, ये भी गया और ये दोनों जाके कहां मिला हमारे पास, देखिए किसमें मिल रहा है, और गेट में मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, और में मिल गया है ना, तो ये और गेट बना दिया मैंने, ये और को मिल गया। अब और के आगे कौन है, ये वाला नॉट गेट, तो नॉट गेट, और फिर नॉट के आगे एक और नॉट गेट, ये हमारा यहाँ पे वाई है, ये हमारा सर्किट देख लीजिए, ठीक है। यहां से ए, यहां से बी, यहां से जाएगा तो क्या बनेगा ए बार, और यहां से क्या बनेगा बी बार, इसको क्या क्या मिला, ए बार और बी बार मिला, तो यहां पे क्या मिलेगा अपने को, ए बार, देखिए और गेट है, ए और बी क्या होता था, ए बार प्लस बी बार, यही होता है हमारा और गेट, ए बार प्लस बी बार, यही तो और गेट है हमारा। और देखिए और गेट से निकला तो ऐसा हो गया, अब ये जो है कहां जाएगा, इसमें एंटर करेगा, इसमें एंटर करके क्या बनेगा यहां पे अपने को, यहां पे ए बार प्लस बी बार का नॉट गेट, तो ये बी बार का नॉट गेट, ये समझ में आ गया है ना, ये चीज समझ में आया, क्योंकि यहां से ये और गेट से निकला, और गेट में क्या था ए और बी, तो ए और था ना, तो ए और बी, और यहां से निकला तो क्या, फिर नॉट गेट में गया, ए और बी का नॉट, तो बार बन गया। अब इस फॉर्मूले के बदले अब यहां से हम आएंगे इसमें डी मॉर्गन, इसमें देखिए डी मॉर्गन थ्योरम में, अब यहां से हम क्या जानते हैं कि देखिए ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार क्या होता है, ए डॉट बी, क्या होता है हमारा ये ए डॉट बी, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे ए डॉट बी, क्या इसके बदले में ए डॉट बी लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। मतलब क्या हुआ कि इतना सारा मिलके कौन सा गेट बना रहा है, एंड गेट बना रहा है, कौन सा गेट बना रहा है मेरा ये एंड गेट बना रहा है, तो क्या इन सब के बदले मैं सिर्फ एक एंड गेट ले लूं, हाँ बिल्कुल ले सकता हूं, इन सब के बदले यहां से ए आया, यहां से बी आया, और यहां पे ए डॉट बी मिल गया, है कि नहीं है, इस सब के बदले, लेकिन अभी ये बचा हुआ है, ये अभी बचा हुआ है, देखिए अभी इसने कुछ नहीं किया, अभी वहां एंटर नहीं किया हमारा, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, यहां पर एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो एंड प्लस नॉट मिलके क्या बनता है नैंड गेट, एंड प्लस नॉट मिलके क्या बनाता है नैंड गेट, तो फाइनली ये टोटल सर्किट कैसा है मेरा नैंड गेट जैसा है, नहीं आया समझ में, है ना भाई, सर्किट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक 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 गेट से एंटर करवाइए, फाइनली मेरा ये सर्किट कैसा हो गया नैंड गेट का हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मूला है ये बुलियन अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, एक्चुअली है उसी का, बुलियन एक्सप्रेशन ही है बेसिकली ये, लेकिन ये डी मॉर्गन थ्योरम से बुलियन अलजेब्रा में कैलकुलेटिव पार्ट्स हैं, वहां कैलकुलेशन के लिए क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे पार्ट होते हैं, लेकिन ये जो थ्योरम है ये सर्किट है, ये सर्किट का कॉम्बिनेशन है ना, कि ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो मेरा फाइनल सर्किट ये मिलके हमको मिलेगा, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो फाइनल ये सर्किट मिलेगा, तो ये सर्किट कॉम्बिनेशन है। तो सर्किट कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन तो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब सर्किट कॉम्बिनेशन ही तो थे, है कि नहीं है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आपको याद होना ही चाहिए ताकि इन केस आपको ऐसा सर्किट मिल जाए तो आप आसानी से बता सके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सके, क्योंकि अगर मैं इसको यहां से निकालू तो फिर से बार पता नहीं कौन सा गेट बना। देखिए अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता है, सपोज कीजिए मुझे इसके बदले ये लिखना नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ए बार प्लस बी बार का होल बार और फिर से एक बार, अब ये कौन सा गेट है अपने को पता ही नहीं, ये कौन सा गेट है पता ही नहीं कौन सा गेट है, तो ये किसके बराबर हो गया मेरा, ये किसके बराबर हो गया नैंड गेट के बराबर हो गया, समझ में आया ये चीज, है ना। तो ऐसा ये जो हमारा डी मॉर्गन थ्योरम का कंसेप्ट है ये आपको याद रखना चाहिए ताकि ऐसे सर्किट्स को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आपको सर्किट प्रॉब्लम में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि कुछ भी गेट्स लगा दे, स्टेप्स अपने को लेके जाना है, कोई सा भी गेट लगा दे,
अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि मेरा यहाँ पे आउटपुट, मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया कि आउटपुट है 0101, ऐसा आउटपुट है, बोलिए ए बी में क्या क्या लू यहाँ से, ए और बी में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता हूँ कि ये मुझे आउटपुट मिले, तो करके देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। ट्रुथ टेबल आपको पता है, ट्रुथ टेबल आपको पता है, ए और बी का वैल्यू करके देख लीजिए किसमें ये रिजल्ट हमको मिलता है, बस खत्म बात है कि नहीं है। पहले यहाँ से भाई क्या करेंगे, जो हमारे 0011 ले लिया, फिर क्या 0101 कर दिया, और देखेंगे पहले यहाँ से निकालिए, फिर यहाँ से, फिर इसमें एंटर करवाइए, फिर नॉट में, फिर से नॉट में, देखिए वाई इसके बराबर किन से कौन से केस में होता है, वो हमारा हो जाएगा फाइनल पॉसिबल। तो ये केसेस आपको याद रखने हैं यहाँ से। इस पर डिपेंडेंट किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्लियरली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट हम करेंगे क्या, डायोड के हेल्प से एंड और गेट बनाना, एंड गेट और फिर और गेट बनाना, और एंड एंड गेट बनाना, और एंड एंड गेट, एंड और गेट बनाना, मतलब सिंपल सी बात, एंड गेट बनाएंगे डायोड के हेल्प से और गेट बनाएंगे डायोड के हेल्प से, है ना, ये दोनों गेट्स अपने को बनाना है विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए क्या करना था, विद द हेल्प ऑफ डायोड कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉजिक गेट्स की अपन बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द गेट्स की बात कर रहे हैं, है ना। क्या क्या बनाना है अपने को, एंड गेट बनाना है और गेट बनाना है, ये दोनों अपने को कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डायोड, है ना। तो चलिए सर्किट डायग्राम देख लीजिए, ये सर्किट डायग्राम को मैं इसका वर्किंग एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे काम करता है। ये सर्किट डायग्राम है हमारा, तो चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले चलिए यहां से मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, यहां भी मान लिया ए और ये मान लिया बी, इनपुट की बात कर लेंगे। तो चलिए ए और बी इनपुट कर लेते हैं और ये हमारा वाई आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। यहां भी क्या कर लेते हैं, ए और बी इनपुट हो गया और ये हमारा वाई आउटपुट हो गया। देखिए ये कैसे और गेट की तरह काम करेगा और ये कैसे एंड गेट की तरह काम करता है, यही अपन देख रहे हैं यहां से, है कि नहीं है। तो यहां पे एंड गेट में क्या होता है, वाई इक्वल टू एंड गेट में ए डॉट बी, यही ना, ए एंड बी, और यहां क्या होता है हमारा वाई इक्वल टू ए और बी प्लस को और बोलते हैं, है ना। चलिए यहां तक समझ में आया आपको, अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं ए को हमने वन दिया, ये क्या है मेरा वन पे है, यहां से सप्लाई आ रहा है, ध्यान से देखिए ये सप्लाई आ रहा है कि नहीं है। अब ये हमने वन दिया है और बी को अपन मान लेते हैं जीरो पे, बी को हमने क्या मान लिया, जीरो पे, ठीक है ये चीज। तो देखिए यहां से अगर मेरा सप्लाई आ रहा है तो ये वन पे है, वन मतलब हायर पोटेंशियल पे है कि नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया, कैसा हो गया मेरा ये ओपन सर्किट हो गया, तो करंट यहां से ना जाके दूसरा सर्किट ढूंढेगा। ध्यान से देखिए ये वन पे है, वन मतलब हायर, जीरो मतलब लोअर, वन मतलब ऑफ एंड वन मतलब ऑन, जीरो मतलब ऑफ, है कि नहीं है। तो यहां से सप्लाई आया, ये वन मतलब ओपन सर्किट, जीरो मतलब क्लोज सर्किट, वन मतलब ओपन सर्किट, जीरो मतलब क्लोज सर्किट, और करंट कहां से, हायर से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा, तो यहां हमने वन कर दिया तो ये हायर पे चला गया, तो यहां से करंट आएगा इधर की तरफ नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया और ओपन सर्किट में करंट हमारा कभी भी एंटर नहीं करता है, तो इधर की तरफ नहीं जाएगा, तो ये इधर आएगा। अब देखिए यहां से मैं जब इस पॉइंट पे करंट पहुंचेगा तो दो रास्ते हैं, एक तो इधर भी जा सकता है और एक इधर भी जा सकता है, तो ये करंट हमेशा क्या ढूंढता है, शॉर्टेस्ट पाथ, इजीएस्ट पाथ ढूंढता है। अब चूंकि ये जीरो है, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो क्या ये देखिए, तो ये हमारा क्या होता था, आई एम सॉरी, ये हमारा क्या पी और ये एन होता था ना, ये पी और ये एन, तो देखिए तो ये हायर पोटेंशियल और इधर जीरो है मेरा, ये तो लोअर पोटेंशियल पे, तो क्या हमारा ये लोअर पोटेंशियल पे क्या है मेरा, ये फॉरवर्ड बाइजिंग हो गया इसका, ये जो दूसरा वाला डायोड देख रहे हैं, ये वाला डायोड क्या फॉरवर्ड बाइजिंग हो गया, तो करंट हमारा इधर आसानी से जा सकता है फॉरवर्ड बाइजिंग में, तो करंट इधर से जाएगा, तो और दूसरी बात रास्ता इधर की बात है, तो इधर इसको एक रेसिस्टेंस मिला, तो ये इधर करंट लेके नहीं जाएगा, ये क्या करेगा हमारा इधर करंट लेके, क्योंकि रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इसको प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए इधर से नहीं जाएगा, करंट के लिए आसान रास्ता ये हुआ, इधर नहीं जाएगा, तो वाई में अपने को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, वाई में अपने को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, यहां पे फिर हमने क्या कर दिया, अब इसको हमने अभी ऑन किया था, इसको ऑफ किया था, अभी इसको ऑन कर देते हैं और दूसरे बार पहले वाले को ऑफ कर देते हैं, तो क्या इसका वाइस वर्सा बिल्कुल सेम थिंग, करंट आएगा यहीं से पास हो गया, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वाई में क्या मिलेगा अपने को, जीरो ही मिलेगा, है कि नहीं है। फिर तीसरा केस देखिए, वाई से, देखिए वाई से मतलब क्या, इसमें कुछ मिला कि नहीं मिला, तो नहीं मिला, नहीं मिला मतलब क्या, जीरो मिला मतलब वन, अगर इधर y में कुछ मिला अपने को, कोई आउटपुट मिलेगा कुछ, अगर अपने को करंट मिला तो ये भले कहलाएगा वन, और अगर नहीं मिला तो जीरो, याद है ना, ऑन और ऑफ, तो वन बोले तो ऑन, जीरो बोले तो ऑफ, ठीक है। चलिए
अब थर्ड करते हैं, दोनों को जीरो कर दीजिए, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, दोनों को जीरो कर देंगे तो वही कहीं नहीं जाएगा, यहां भी जीरो यहां भी जीरो, तो क्या हो गया, दोनों ओपन सर्किट, यहां भी जीरो तो क्या हो गया, दोनों ओपन सर्किट हो गया, तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा मेरा, ये फॉल कर जाएगा, क्या होगा मेरा ये रेसिस्ट, भाई ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या हो गया मेरा, दोनों क्लोज सर्किट करंट, आई एम सॉरी फिर से एक बार, ये भी जीरो, अब क्या कर दिया हमने, इसको भी जीरो, करंट आएगा, ये भी क्लोज सर्किट, ये भी क्लोज सर्किट करंट, और ये भी फॉरवर्ड बाइज्ड, ये भी फॉरवर्ड बाइज्ड, तो करंट इधर से निकल लेगा, करंट इधर से निकल लेगा, लेकिन इधर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इधर रेसिस्टेंस इसको रोक रहा है, और इधर आसानी से जाने के लिए इसके पास रास्ता है, तो अपने को क्या मिलेगा, वाई की तरफ, और अगर इधर इस सर्किट में करंट नहीं गया तो वाई को भी नहीं मिला, क्योंकि जो इधर मिलेगा वही वाई को मिलेगा, क्योंकि वाई और ये रेसिस्टेंस कैसा है हमारा, दोनों पैरेलल में है, आप ध्यान से देखिए, तो वाई और आर कैसा है मेरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, राइट, आगे अगर हम सर्किट पूरा करें तो ये पैरेलल अरेंज्ड है ना, तो यहां से देखिए ये भी जीरो, तो जीरो है तो इसको आराम से लोअर पोटेंशियल पे है, यहां से आराम से जाएगा, लोअर पोटेंशियल पे आराम से जाएगा, क्लोज सर्किट है कि नहीं है, वन का मतलब ओपन सर्किट, जीरो का मतलब क्लोज सर्किट हो गया यहां पे, तो ये हमारे पास करंट यहां से नहीं जाएगा, इसमें अपने को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा केस क्या होगा, नेक्स्ट वन, वन वन हो जाएगा दोनों में, इसको भी वन, अब देखिए ये भी वन ये भी वन, ये भी ओपन हो गया ये भी ओपन हो गया, ओपन सर्किट में करंट जाएगा नहीं, तो यहां से करंट इधर नहीं जाना है, यहां से करंट इधर भी नहीं जाना है, तो करंट लोअर पोटेंशियल तो ढूंढेगा, तो यहां से हायर पोटेंशियल आया, इसको ये मिला लोअर पोटेंशियल पे, तो ये इधर की तरफ ट्रांसफर करेगा, और जो इधर मिलेगा वही इधर भी मिलेगा, तो वाई में कुछ ना कुछ गया, तो वाई में क्या बन गया, वन। तो ये किसका एप्लीकेशन होता है भाई, एंड गेट का एप्लीकेशन होता है, हम जानते हैं इस बात को, ये इनपुट और ये आउटपुट किसका होता है, एंड का होता है, इसलिए ये सर्किट कैसा काम करेगा, एंड गेट की तरह काम करेगा। वर्किंग समझ में आया कैसे हुआ, यहां से अगर इसको हमने वन पे रखा तो इधर करंट नहीं जाएगा, जीरो रखा तो करंट जाएगा, वन पे रखेंगे तो नहीं जाएगा, जीरो रखेंगे तो जाएगा, तो हमने पहले इसको वन रखा तो इसमें नहीं गया, यहां से पास कर गया, वाई की तरफ भी नहीं गया, तो वाई की तरफ भी नहीं गया, हमने इसको जीरो कर दिया, इसको वन कर दिया, करंट इधर से गया, करंट इधर से गया, यहां से वन पे नहीं गया, है कि नहीं, फिर भी इसको नहीं मिला, है कि नहीं है, अभी क्या हुआ, दोनों को जीरो कर दिया, तो भाई यहां से भी जाएगा, लेकिन इधर रेसिस्टेंस है, इधर को डिफिकल्ट है करंट को जाना, तो इधर से निकल जाएगा। फिर क्या हो गया हमारे पास, दोनों को इसको भी वन कर दिया, तो ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, वन का मतलब ओपन सर्किट, वन का मतलब ओपन सर्किट, और जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब ये जाएगा इधर से, ठीक है, वन का मतलब ओपन सर्किट, जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है चीज। अब यहां पे आते हैं इसमें, देखिए फिर से इनपुट तो क्या ले लें, पहले ए को अपन क्या कर देते हैं, चलिए ए को हमने जीरो पे रख दिया और बी को वन पे रख देते हैं, ठीक है, ए को जीरो बी को वन है चीज। तो अब ये जब जीरो पे है और इसको हमने जीरो वोल्ट पे डाल रखा है, इसको हमने किस पे रखा है, जीरो वोल्ट पे, तो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, करंट इधर से जाएगा, देखिए ये जीरो पे है ये वन पे है, ये जीरो पे है ये वन पे है, तो वन से इधर जाएगा इधर की तरफ, जो वाई को जो इसको मिलेगा वो इसको भी मिलेगा, भाई यहां से नहीं जाएगा लेकिन यहां से तो जाएगा, अगर ये वन पे है हायर पोटेंशियल पे तो ऐसा जाके ऐसा निकल जाएगा, है कि नहीं है, तो जो इसको मिलेगा जो इस आर को मिलेगा वही वाई को मिलेगा, तो क्या यहां पे वन मिल जाएगा, वाई में मिलेगा अपने को, बिल्कुल मिलेगा। फिर हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, इसका वन इसका जीरो, फिर से सेम प्रोसेस, अभी यहां से नहीं जाएगा यहां से जाएगा, तो यहां पे और वाई में क्या मिलेगा, वन, तो रास्ता कैसा होगा, यहां से जाके ऐसा इधर और इधर, समझ गए इस बात को, है ना, यहां हम पोटेंशियल के टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, तो पोटेंशियल पे हमने बात किया। चलिए और अगर दोनों को जीरो कर दे, तो दोनों को जीरो कर देंगे तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, है कि नहीं है, तो यहां पे क्या मिलेगा अपने को, जीरो, है ना, अगर हमने कोई पोटेंशियल दिया ही नहीं तो नहीं जाएगा हमारे पास, और अगर हमने दोनों को वन कर दिया, इसको भी वन, तो यहां से भी करंट इधर जाएगा, यहां से भी जाएगा, दोनों को मिलेगा यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, है कि नहीं है, तो इससे क्या हो गया, देखिए ये टेबल किसका होता है, हमको पता है ये किसका होता है, और गेट का होता है कि नहीं, तो इसका मतलब ये सर्किट क्या है, ये और गेट है, क्या है हमारा, ये और गेट है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन क्या है कि कभी क्वेश्चन में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सर्किट दे दिया गया था और बोला था कि बताइए ये कौन सा, ये सर्किट दे दिया था, बोला था बताइए ये कौन सा गेट है, बताइए ये कौन सा गेट है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकता है, तो आपको पता है कि कैसे चेक करना है, ये वर्किंग समझना है कैसे चेक करना है। अगर हमें यहां से क्या करा, वन किया तो क्या हो गया, ओपन सर्किट, तो यहां से नहीं जाएगा सप्लाई में, यहां पे जा रहा है, यहां पे सप्लाई आया नहीं गया, देखिए यहां हमने कोई सप्लाई नहीं दिया, यहां से सीधा पोटेंशियल लगाया जीरो वोल्ट पे, इधर की तरफ जाएगा हमारा, यहां पे आ रहा है सर्किट में, ठीक है ना, तो इस हिसाब से वन होगा, अगर वन है तो ओपन सर्किट नहीं जाएगा, जीरो है तो जाएगा,
ठीक है, समझ गए यहां से क्या चीज है। अब इसको याद रखिए इस कंसेप्ट को, और अगर कभी ऐसा सर्किट आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। और नॉट गेट का तो आपको पता ही है, वो तो खुद ही डायोड जैसा होता है नॉट गेट, तो इसकी तो क्या ही बात करनी है ना, ये खुद ही नॉट गेट जैसा होता है, इसकी तो क्या ही बात करनी, ठीक है ना। तो इतनी सी बात आप कर लीजिए, यहां पे सेमीकंडक्टर का सारा कंटेंट खत्म हो जाता है। रेसिस्टर में ट्रांजिस्टर मैंने पहले ही बोला, इसको अपन बाद में चर्चा करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या लेना है, वी विल स्टार्ट वेरी सून, ओके। सो इफ एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर, एनी कंफ्यूजन, जस्ट डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड एज आई सेड वी विल ट्राई वेरी ऑनेस्टली टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स, एंड इफ वी आर ट्राइंग दैट मीन्स वी विल डू इट again with our teams with us. We are very thankful for you for watching the video, and once again I would like to request all of you, if you are watching it then please subscribe it, so that we can get motivated and we will work more hardly for you people. Okay, thank you very much.